हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें वेरिफिकेशन के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। क्या आपका वेरिफिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है? वेरिफिकेशन किसका? बहुत से स्टूडेंट जो CMA इंटरमीडिएट पास किए थे, जो उन्होंने एग्जाम दिया था, कुछ एक नंबर से रह गए थे, वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या रिजल्ट आ गया है और वेरीफिकेशन में क्या प्रोसेस है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सब इससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अब कर लेना, क्योंकि आपको CMA के रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारा ही चैनल में बैठ बैठ देगा। देखिए, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2023 है। तो उसके रिजल्ट की मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन का रिजल्ट ICMA ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। क्यों रिलीज नहीं किया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो कब आएगा? जब सारे स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे, ये लास्ट डेट चली जाएगी। तो आप लास्ट डेट तक वेट करो, मतलब 25 तारीख तक साथ अप्लाई कर देंगे, इसके 15 दिन बाद मतलब 10 या 9 नवंबर तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि आपको रिजल्ट आ चुका है, आपको चेक करना कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी रिजल्ट नहीं आएंगे, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। टेंशन, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जरूर देना, सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको CMA की तारीफ करेगा। आपको हम मिले वीडियो में।